Gloria al Día. यह एनालॉग मल्टीमीटर है, यस सर, यस सर। ठीक है। तो ये इसकी इसकी वोल्टेज अलग डिफरेंट नापते हैं, और इसमें ओममीटर भी होता है। जैसे अब इसके बारे में यहाँ पे मिशन एक्टिव रहेगा, अगर हम 10 के की रेंज में रखेंगे तो ये 10 के की रेंज में रख के तो हम ये ओममीटर वाला ये वाला चेक करेंगे, 0 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम, 500 ओम, 1K और 10K। यस तो इसमें हम 0 से लेके 10K की रेंज तक हम इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे रख के, ठीक है, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, मल्टीमीटर में। उसके बाद फिर आप 1 मैग की रेंज में आएंगे, 1 मैग की रेंज आप हमारा यहाँ से यहाँ पे रखेंगे, तो वहाँ पे आपका ये 0, ये आपका 1K, 2K, 5K, 10K, 50K, 100K, 500K, 1 मैग, ठीक है। और इसमें ये मल्टीमीटर भी ऐसे है, इसमें हम 1 मैग की रेंज तक चेक कर सकते हैं। यस सर। उसके बाद फिर हमारे हैं मिलीएम्पियर, ये डीसी मिलीएम्पियर है, तो डीसी मिलीएम्पियर है 0.25, 10, 250 मिलीएम्पियर, ठीक है। उसके बाद ये आपका वोल्टेज नापने के लिए डीसी वोल्टेज है, 10 की रेंज, 50 की रेंज, 250 की रेंज, 1000 की रेंज। एसी की वोल्टेज है 10 की रेंज, 50 की रेंज, 250 की रेंज, 500 की रेंज और 1000 की रेंज। अब ये वोल्टेज नापनी है तो इसमें इसमें खाली डीसी मिलीएम्पियर चेक होते हैं, ये सबसे कम होते हैं 0.25, उसके बाद फिर 10 और ये 250, ठीक है। ये सिर्फ हम डीसी के मिलीएम्पियर चेक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चेक कर सकते। जहाँ पे हम चेक करते हैं वोल्टेज, ये 10 की रेंज है, जैसे 10 की रेंज है डीसी की, 10 की रेंज में, 10 की रेंज में ये वाला स्केल है हमारा, ये आपका 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये वोल्टेज नापने का। उसके बाद फिर आपका ये 0, 10, 20, 40 और ये 50, यस सर, ठीक है। उसके बाद फिर 0, 50, 100, 150, 200, 250, यस सर, ठीक है, ये हमारी 250 की रेंज तक का है, परंतु इसमें 1000 का रेंज का कोई दिया नहीं हुआ, यस सर। कि 1000 की रेंज कैसे बनाते हैं हम, ये 10 वाली रेंज को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यस सर। तो उसमें मल्टीप्लाई करने पे तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जैसी रेंज आपकी दी हुई है 0, ये 2, 4, 6, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 का, यानी 200, ये 400, ये 600, ये 800, ये 1000, यस सर, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, 2, 4, 6, 600, 800, 900, 1000। अगर हमने इसको रखना है यहाँ पे 500 में चेक करना है तो 500 वोल्ट का कोई यहाँ पे रेंज नहीं है, तो 500 वोल्ट की रेंज बनाने के लिए 10 की रेंज को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, नहीं ये 50 की रेंज को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 वोल्ट बन जाएंगे, तो 500 वोल्ट का बन गए, तो उसका ये है 10 वोल्ट का बन गया 200, ये 20, 30 का बन गया 300, 40 का बन गया 400, 500 का बन गया 500, 50 का 500, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मल्टीमीटर, ये एनालॉग मल्टीमीटर है, इसकी टेस्टिंग है। इसके अलावा हम भी कंपोनेंट भी चेक कर सकते हैं ओममीटर में, जी सर।